हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप YouTube पे जाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आए शुरू करते हैं। बल्कि शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि आज मैं आपको किसके मुताबिक बताऊँगा। आज मैं जिस बारे में आपको बताऊँगा ये है, ये बहुत अहम है और आप शुरू से तक गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगी ये वीडियो। स्टूडियो में आपको ये बताऊंगा आज के कि कभी कभार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि हम जब USB फ्लैश अपने सिस्टम से किसी के सिस्टम में लगाते हैं तो हम लगा के हम जो चीज़ लेनी होती है, ट्रांसफ़र करनी होती है, वो ले तो लेते हैं उसको, और फिर जब हम अपने सिस्टम में उसको PC में लगाते हैं, उस USB को, फ्लैश को, तो वो USB खाली शो हो रही है। लेकिन देखें तो वो उसकी स्पेस जो है उसमें तो सब डाटा पड़ा होता है, लेकिन जब उसको ओपन करते हैं, जब उसको माइक्रोवेयर में जाके हम ओपन करते हैं तो वो जो है वो शो हो रहा है कि वो उसमें कुछ है नहीं, वो खाली है। तो क्या होता है कि वो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी देखी जाए तो वो बता रही है कि नहीं, इसमें डाटा है, और अगर उसको ओपन करके देखे तो उसमें कुछ शो नहीं हो रहा था, नजर नहीं आ रहा था। तो अक्सर कहते हैं कि इसमें वायरस आ रही है, वायरस आ जाता है, इसमें बिल्कुल वायरस आ रहा था, और वो वायरस ही की वजह से शो नहीं हो रही होती। वो क्यों नहीं शो हो रही होती वायरस की वजह से, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी करके, क्यों नहीं वो शो करा रहा था, जो विंडो है वो क्यों नहीं शो करवा रही होती। उसकी वजह ये है कि वो वायरस जब आ जाता है आपकी USB में, तो आपकी विंडो में ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने फंक्शन आ रखा कि वो जो है वायरस जो फाइल्स हैं, वायरस जो भी चीज़ है उसको जो है वो हाइड कर देती है, सुबह खुद हाइड कर देती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम भी बच जाता है, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर भी वायरस से बच जाता है। लेकिन बाद फाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और ऐसे होता है कि वो आपने किसी शख्स से ले ली और फिर आप उससे दोबारा मुलाकात आपकी देर बाद होगी, और आपको ज़रूरी होता है बड़ी ज़रूरी जो है आपको उसमें कोई फाइल, आपकी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो तब ये करते हैं, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि इसमें आप ही के इस लैपटॉप की सेफ्टी बढ़ना कि उल्टे जुड़े जाएगा उड़ जाएगी। तो क्या करना है ये बताता हूँ आपको। आपने सबसे पहले माइक्रो बटन में चले जाना है। माइक्रो बटन में जाने के बाद ही आपको माइक्रो बटन खुला हुआ ओपन नजर आ रहा है, यहाँ से आपने ऊपर व्यूज़ में चले जाना है। व्यूज़ में जाने के बाद यहाँ से आपने ऑप्शन में चले जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप फोल्डर ऑप्शन का डायलॉग देख सकते हैं, ओपन हो गया है। यहाँ से आपने ऊपर स्क्रीन में चले जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे शो हिडन फाइल्स करना है। ये भी आप कर दोगे तो भी आपको फाइल शो नहीं होगी आपकी। जो ट्रिकी है वो थोड़ा सा काम यहाँ पे है, ट्रिकी काम ये है कि ये आ रहा है हाइड फोल्डर मर्ज कंफ्लिक्ट्स, यानी वो फोल्डर जो के खतरनाक है उनको हाइड कर दो, तो ये टिक है, यानी वो हाइड हो जाते हैं खुद। तो अगर आप इसको अनटिक कर दोगे, मार कर दोगे, तो वो आपको शो। दूसरी चीज क्या करनी है, इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसको भी अनहाइड कर दोगे और यस कर दोगे, फिर आपने करने के बाद ओके कर देना, अब आप देखोगे कि आपकी फाइल शो हो रही है। तो ये था आसान सा एक तरीका, ठीक है। और फिर इन सबके बाद कोशिश करिएगा कि अपनी उस USB को फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट का तरीका तो आपको आता होगा, उम्मीद है आप सबको ये ज़रूर पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।